लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम सोशल मीडिया ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WhatsApp से आप Facebook को कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना। सबसे पहले WhatsApp को ओपन करना, कार्नर में जो 3 डॉट्स है इन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे सेकंड में एक ऑप्शन नज़र आएगा प्राइवेसी का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करना है, यहाँ पे स्टेटस का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि फेसबुक का निशान यहाँ पे ब्लू कलर का आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है। अगर ये ब्लैक होगा तो इसका मतलब है ये डिसकनेक्टेड हो चुका है। यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको बंद ऑप्शन को कर लेता हूँ। इसको बंद करने के बाद नीचे पे लिखा हो डिसेबल स्टेटस शेयरिंग ऑन टू फेसबुक, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है और साथ में डिसेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो आपका जो WhatsApp है इसका कनेक्शन जो है फेसबुक से कनेक्ट जो डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक हो चुका है। इस तरीके से आप WhatsApp से अपनी फेसबुक को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक ले जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।